जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 में अंग्रेजी विषय के अंदर पाठ संख्या 2 स्माइल विद अ ब्लेसिंग, ठीक है, की एक्टिविटी सेकेंड का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी है? सेकेंड एक्टिविटी। एक्टिविटी सेकेंड का प्रश्न है ए, क्या है? गिव द ऑपोजिट्स, नीचे मतलब विलोम शब्द दीजिए, किनके? ऑफ द वर्ड लिस्टेड बिलो, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बताइए। ठीक है, ये जो नीचे शब्द लिखे हुए हैं ना, इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। यू मे चूज दीज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, आप इन शब्दों को बॉक्स में से चुन सकते हैं। ठीक है, नीचे जो ये शब्द दिए गए हैं ना, इनके हमें जो है ऑपोजिट्स लिखने हैं, मतलब विलोम शब्द लिखने हैं। और वो विलोम शब्द कहाँ से लिखने हैं? इस बॉक्स में से ढूँढ कर, इन शब्दों में से ढूँढ कर इनके जो हैं विलोम शब्द हमें करने हैं। तो क्या है, सबसे पहले बॉक्स में देख लेते हैं शब्द कौन कौन से हैं। तो बॉक्स में शब्द है short, शॉर्ट यानी होता है बच्चों छोटा। empty, एम्प्टी यानी होता है खाली। stop, स्टॉप यानी होता है रुकना, ठहरना। weep, वीप यानी होता है रोना। sit, सिट यानी होता है बैठना। take, टेक यानी होता है लेना। out, आउट यानी होता है बाहर। ठीक है, अब नीचे शब्द लिखे हुए क्या है? देखो, एक मीनिंग या एक स्पेलिंग अपने लिए किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पहला old, ओल्ड यानी होता है बच्चों वृद्ध, मतलब बूढ़ा या बूढ़ी। तो अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? उल्टा, उल्टा ये होगा जवान। तो young, यंग यानी होता है जवान, यंग यानी जवान। ठीक है, ऐसे हम बाकी शब्दों के भी ऑपोजिट लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा शब्द अब आता है स्टार्ट, start, स्टार्ट यानी होता है बच्चों शुरू करना। क्या होता है? शुरू करना। अब इसका उल्टा क्या होगा? रुकना या ठहरना। ठीक है, रोकना या ठहरना होगा ना, तो इसका क्या लिखेंगे अपन? स्टॉप। स्टार्ट का ऑपोजिट क्या हो गया? स्टॉप। स्टार्ट यानी चालू करो और स्टॉप यानी रोको। ठीक है, ये उल्टा हो गया। फिर आता है तीसरा give, गिव यानी होता है देना बच्चों, होता है देना। गिव का अर्थ क्या होता है? देना। अब इसका ऑपोजिट लिखना है हमें, मतलब इसका उल्टा क्या होगा? टेक। क्या होता है? टेक, take, टेक यानी लेना। क्या होता है? टेक यानी लेना, take. ठीक है, take, टेक, टेक यानी होता है बच्चों लेना। ठीक है, ये वापस लिखता हूँ के मैं, एक मिनट, वापस गलत हो गया। take, ठीक है, तो टेक यानी होता है लेना, गिव यानी देना, टेक यानी लेना। अब आते हैं आगे, आगे क्या शब्द है चौथा? इन, in, इन का अर्थ होता है अंदर। इन का अर्थ क्या होता है? अंदर। तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे अपन? out, क्या लिखेंगे? out, आउट यानी बाहर। out, आउट यानी हो गया बाहर। फिर आता है पांचवा स्टैंड, stand, स्टैंड यानी होता है खड़े होना। ठीक है, खड़े होना। अब इसका, इसमें से शब्द है
SIT क्या है? SIT, तो स्टैंड, स्टैंड का हमने लिख दिया SIT, सिट यानी बैठना, स्टैंड यानी खड़े होना, सिट यानी बैठना। फिर छठा आता है, छठे नंबर पर क्या है? LAUGH, लाफ, लाफ यानी हंसना, LAUGH, लाफ, लाफ यानी हंसना। इसका शब्द क्या लिखेंगे उल्टा इसमें से? वीप। तो यहाँ से हमने लिख दिया वीप, वीप यानी होता है बच्चों रोना। फिर आता है टॉल, सातवा क्या है? TALL, टॉल यानी होता है बड़ा या लंबा। तो हमें इसका उल्टा क्या लिखना है? शॉर्ट, शॉर्ट यानी होता है छोटा, SHORT, तो शॉर्ट यानी हो गया बच्चों छोटा, ठीक है, SHORT। फिर आता है बच्चों आठवां, फुल, FULL, फुल। आठवां क्या आता है? FULL, फुल, फुल यानी भरा हुआ। तो हम इसका उल्टा क्या लिखेंगे? खाली, एम्प्टी, EMPTY। आठवां है फुल, फुल का उल्टा क्या हो गया? एम्प्टी यानी खाली, EMPTY, एम्प्टी यानी खाली, ठीक है ना बच्चों। वापस देखो एक्टिविटी सेकेंड, प्रश्न है ए, गिव द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स लिस्टेड बिलो, नीचे दिए गए सूची के शब्दों के विलोम शब्द दीजिए, ठीक है। फिर आता है यू मे चूज दीज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, आपको इन शब्दों को बॉक्स में से चुनना है, ये जो नीचे बॉक्स दिया ना इसमें से हमें चुनना है। तो क्या है? शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट यानी छोटा, EMPTY, एम्प्टी यानी खाली, STOP, स्टॉप यानी रुकना, WEEP, वीप यानी रोना, SIT, सिट यानी बैठना, TAKE, टेक यानी लेना, और OUT, आउट यानी बाहर। पहला क्या है? ओल्ड, ओल्ड का उल्टा हो गया यंग, ओल्ड यानी बुढ़ा, यंग यानी जवान। दूसरा स्टार्ट, स्टार्ट यानी शुरू करना, स्टॉप यानी रोकना। तीसरा है गिव, गिव यानी देना, टेक यानी लेना। चौथा है इन, इन का अर्थ अंदर, आउट यानी बाहर। पांचवा स्टैंड यानी खड़े होना, सिट यानी बैठना। छठा है लाफ, लाफ यानी हंसना, वीप यानी रोना। सातवा है टॉल, टॉल यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा। और आठवा है फुल, फुल यानी भरा हुआ, और एम्प्टी यानी खाली, ठीक है बच्चों। जय श्री कृष्णा।